आज देश को नया राष्ट्रपति मिल गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। चीफ जस्टिस जेएस खेर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद सम्मान में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। राष्ट्रपति के पद और संविधान के संरक्षण की शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि सेंट्रल हॉल में पुरानी यादें ताजा हो गईं। सेंट्रल हॉल से ही मैंने विचारों का सम्मान करना सीखा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बड़ा हूं। काफी लंबी यात्रा रही। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को स्वीकार करता हूं। विभिन्नता और विविधता को देश की एकता बताते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि हम अलग जरूर हैं लेकिन एकजुट हैं। उन्होंने देश के निर्माण में देश की पुलिस, सेना और किसान को राष्ट्र निर्माता बताया। मैं एक छोटे से गाँव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है, हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा। शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन में खास तैयारियां की गई थी। सबसे पहले रामनाथ कोविंद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू का आशीर्वाद लिया। फिर कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे, जहां कोविंद को 14वें राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाई गई। इस दौरान पीएम मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत राजनीति जगत के कई दिग्गज समारोह में उपस्थित थे। 20 जुलाई को आए नतीजों में रामनाथ कोविंद को कुल वोट 10,98,903 में से 7,20,044 मिले हैं, जबकि मीरा कुमार को 3,67,314 वोट मिले। कोविंद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दलित समाज से हैं। उनसे पहले के आर नारायणन थे, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी टी एन शेषन पर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।